नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर, और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ के एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट्स। और ये जो जर्नी है ये हमारी एंड तक चलने वाली है, जब तक हम बिजनेस स्टडीज़ के सभी कॉन्सेप्ट्स डेप्थ में डिस्कस नहीं कर लेते। और वो भी ऐसे कॉन्सेप्ट जो सीधे सीधे आपको आपके एग्ज़ाम्स में, आपकी नोट्स मेकिंग में और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, इवन किए भी हैं। जो बच्चे पीछे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उनके फीडबैक्स आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। केवीएस में हमने अपने फीडबैक्स लिए थे, जब बिहार स्टेट हुआ था वहाँ पे हमारे पास फीडबैक्स आए थे, ठीक है। एमपी का जो ग्रेड वन का प्री वाला एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से हमारे पास फीडबैक्स आए थे। तो बड़े अच्छा जो फीडबैक, एक रिस्पॉन्ड जो निकल करके आता है, और लगता है कि हाँ भाई जो कराया है और जो नोट्स बनाए हैं बच्चों ने वो उन्हें बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है, तो बड़ा अच्छा लगता है ना। प्रयास, देखिए प्रयास यही रहता है कि एक जो कहते हैं ना क्वालिटेटिव चीज़ है ना, कि भाई एक ऐसी चीज़ आप तक पहुँच जाए जिससे आपका बेनिफिट हो जाए, है ना। मतलब प्रयास ही रहता है। और इसीलिए मैं हर ये भी कहता हूँ कि हर वीडियो के बाद, जब भी आप वीडियो देखें समझें, उसके बाद एक फीडबैक मेरे को ज़रूर दिया कीजिए, कि भाई कमेंट, इवन कमेंट में किया कीजिए, है ना। तो उससे क्या है कि लोगों को भी पता चलता है कि भाई हाँ वास्तव में क्या चीज़ है, क्या कंटेंट है, कैसा मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको समझ आया कि नहीं आया। और मुझे भी उसमें हेल्प मिलती है कि आपने क्या, जो मैं आप तक चीज़ें पहुंचाना चाह रहा था या जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, वो सारी चीज़ें ऑन दैट मतलब उसी तरह से बिल्कुल वो आप तक पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं, या कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो आगे पीछे हो गई हैं या रह गई हैं, छूट गई हैं। तो मेरा प्रयास तो यही होता है कि 100% जो चीज़ मैं करा रहा हूँ वो 100% आप तक पहुँचे। लेकिन फिर भी अगर कुछ एक दो 19-20 हो जाता है तो उसके लिए आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चल सके और आगे आने वाले टाइम में जो भी नेक्स्ट वीडियो हो उसमें वो चीज़ क्लियर अप की जा सके, है ना। तो जितने भी नए लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है। सारे जितने भी पीछे की क्लासेस हैं, या तो वो मैं वीडियो के लास्ट में टैग कर दूंगा, वरना एड कार्ड जो हमारा कार्ड होता है उस पर टैग कर दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं, ठीक है। और चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक प्राइवेट और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, कंपनीज नहीं कॉरपोरेशंस। बहुत बार सवाल आता है एमएनसी की फुल फॉर्म क्या है, बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी लगाते हैं, गलत हो जाता है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। यहाँ पे भी अलग अलग चीज़ें होती हैं, कुछ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं, कुछ ग्लोबल कंपनीज होती हैं, कुछ ट्रांसनेशनल कंपनीज होती हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं इनमें। खैर, जब डिस्कस करेंगे तब इन सब बारे में चर्चा करेंगे, अभी क्यों करना। बहरहाल, पब्लिक और प्राइवेट एंड एमएनसी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर काम कैसे करता है, किसका क्या रोल है, कौन कौन सी कंपनीज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में आती हैं, और क्या इनके बेनिफिट्स हैं या इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, पब्लिक सेक्टर की फंडिंग कहाँ से होती है, प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से याद आया, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हमने पढ़ा था, बोलो पढ़ा था ना। ये जितनी भी चीज़ें थी दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी बिजनेस फॉर्म्स होती हैं वो यही होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट सेक्टर में आता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट सेक्टर में आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर में आता है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्राइवेट सेक्टर में आता है ना, पार्टनरशिप प्राइवेट सेक्टर में आता है। जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी किस में आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर हम ऑलरेडी से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। हमें डिस्कस क्या करना है फिर, हमें डिस्कस करना है पब्लिक सेक्टर। हालांकि आज हम ये भी समझेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर काम कैसे करते हैं, है ना।
और फिर हम बढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर के फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरह के लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो बड़ा प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन बने भी हैं। कई बार कंपनी पूछ लिया जाता है कि बताइए किस तरह की जो किस तरह का पब्लिक सेक्टर है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और ये रहा आपके सामने। सबसे पहले एक हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक बेसिक सा डिफरेंस हम ले लेते हैं। जैसे अगर मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, तो पब्लिक सेक्टर जो हेल्ड होता है, मतलब जो कंट्रोल किया जाता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा किया जाता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इसको अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, इसका मतलब है पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना। जैसे अगर आप है ना रेलवे की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप रेलवे का जनरल टिकट लेते हैं, ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे आप सुविधाएं बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ते जाएंगे, वो एक्सेप्शन है। इन जनरल पब्लिक की मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो डिस्टेंस है कम, टिकट का प्राइस कम है, आप आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं कम प्राइजेस में। प्राइवेट सेक्टर में आप जब बस का फेयर लेते हैं, क्या लेते हैं, बस का फेयर लेते हैं, तो उसका प्राइजेस क्या लगता है, ज़्यादा लगता है प्राइवेट बसेस जो होती हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पब्लिक सेक्टर क्या है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, है ना, बात समझ में आ गई। इस तरह से तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो केवल और केवल प्रॉफिट का सोचते हैं कि भाई फायदा हो, कैसे भी मुझे क्या हो, फायदा हो। और जबकि जो पब्लिक सेक्टर है वो पहले वेलफेयर का सोचता है और फिर उसमें से वो कुछ आता है कि भाई कुछ फायदा भी हो जाए, वेलफेयर पहले है, है ना, बात समझ में आ गई, क्लियर है वाली बात। चलिए इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ गुड्स। पब्लिक सेक्टर में सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पब्लिक गुड्स के लिए होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर आपके आसपास लोकेलिटी में एक पार्क होगा, ठीक है, और आपके आसपास लोकेलिटी में या नहीं भी या आसपास थोड़ा बहुत दूर एक वाटर पार्क भी होगा, जिसमें एडवेंचर्स गेम होंगे, फूड लॉग होगा, ठीक है, राइड्स होंगी, समझ गए, जैसा एक होता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर सुबह और शाम लोग रोज घूमने जाते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं, गप्पे शप्पे लड़ाते हैं, योगा वगैरह करते हैं और आ जाते हैं। जैसे आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का एक पार्क, ठीक है, पब्लिक के लिए है या केवल और केवल इसमें कुछ स्पेसिफिक लोग ही जा सकते हैं, केवल वो पब्लिक के लिए है, कोई भी व्यक्ति उसमें जा सकता है, ठीक है। अब प्राइवेट का क्या है, प्राइवेट में पहले आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा, माने प्राइवेट ये होता पब्लिक के लिए ही है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है क्योंकि इसको जो कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है वो कोई इंडिविजुअल है, वो प्राइवेट पर्सन है। एक जैसे मैं हूँ, मेरा कोई वाटर पार्क है, तो जो भी व्यक्ति उसमें आएगा मैं उससे पहले टिकट लूँगा, खाने का पैसा लूँगा, एडवेंचर्स का पैसा लूँगा, दुनिया भर के चार्जेस होंगे, तब जा करके वो व्यक्ति आएगा, एग्री विद दिस। और फिर उसको जो भी बेनिफिट उठाना है वहाँ का, खेला कूदा, नहाया धोया, जो भी उसको राइड्स वगैरह करने की, और वो चला गया। कुल मिलाकर के वो आएगा तो 1,000, 1,200, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये वो खर्च करके वहाँ पे जाएगा, क्लियर है वाली बात, एग्री विद दिस। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पब्लिक गुड्स होती है जिसको हर कोई यूटिलाइज कर सकता है, ये बेनिफिट इंडिविजुअल या केवल बिजनेस, या तो केवल एक विशेष व्यक्ति को ये बेनिफिट देती है या किसी बिजनेस को, क्लियर है। जैसे PVR है, PVR प्राइवेट है या पब्लिक है, प्राइवेट है, क्यों, क्योंकि जब तक आप उसमें टिकट नहीं खरीदोगे तब तक आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है ना, तो वो किसको फायदा दे रहा है, बिजनेस को फायदा दे रहा है, ठीक है। या जैसे मैंने कोई एक, जैसे मैं ही हूँ, है ना, मैं क्लासेस रन कर रहा हूँ, या मेरा वो इंस्टीट्यूशन है ना, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से मैं फीस ले रहा हूँ, तो उसका बेनिफिट हो रहा है, मेरा बेनिफिट हो रहा है ना।
अब सरकार या स्कूल है तो स्कूल में जो है मेरी फीस बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज करो कोई बच्चा है, एक इसी का उदाहरण ले लेते हैं एजुकेशन में ही, एक बच्चा है वो 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ रहा है ना। अब वो 12th स्टैंडर्ड में फीस पे कर रहा है सपोज करो 74,000 लगभग पर एनम की, है ना। और सरकारी स्कूल में वो पे कर रहा है मेरे ख्याल से 2 से 3 हज़ार रुपये मात्र, शायद इतने भी ना कर रहा हो, और वहाँ पर इसको स्कॉलरशिप भी मिल रही है। बात समझ में आ गई? तो बेनिफिट यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है कि सोशल सर्विस हो रही है, सोशल सर्विस हो रही है। ऑनरशिप किसकी होती है? पब्लिक। पब्लिक मतलब दे आर रिस्पॉन्सि। देखिए पब्लिक का मतलब क्या है, जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, आपने एक बड़ा कॉमन सा डायलॉग सुना होगा, तेरे बाप की सड़क है क्या? सड़क सबकी है, तेरे अकेले की नहीं है जो तूने यहाँ पर हक जमा रखा है ना। इसका मतलब क्या? पब्लिक की है। पब्लिक मतलब सब लोग उसका इक्वली यूटिलाइज करेंगे, एग्री है ना, सही है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो उसमें ये थोड़ी कह दोगे उसके मालिक से तेरे बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है भाई, वो उसी की प्रॉपर्टी है। उसमें केवल या तो कोई विशेष व्यक्ति ही रह सकता है या उसमें उस व्यक्ति उसका मालिक रह सकता है या चल सकता है ना। क्लियर है ये वाली बात? प्रॉफिट मेकिंग नहीं, पब्लिक सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मेकिंग होता है। और यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर में वर्कर्स होते हैं वो सिविल होते हैं, जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। काम करोगे रहोगे, नहीं तो भाग जाओ, भगा दिया जाएगा। और यहाँ पर जैसी पब्लिक सेक्टर, जैसे तुम लोग हो यूपी डीजीटी पीजीटी करके, कहाँ जाओगे? पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर? पब्लिक सेक्टर में, है ना। जैसे एक बहुत जनरली, जैसे कोई टीचर है, जैसे अभी पीछे ना योगी जी का एक मतलब ऐसी कनेक्ट करना, इधर उधर मत लेकर के जाना, का एक स्टेटमेंट आया था कि पहले जब वो टीचर्स होते हैं जब तक उनकी जॉब नहीं लग रही होती है तब तक तो उन्हें ये कहते हैं कि भाई कहीं भी ले जा करके डाल दो हमें, हम कहीं भी कर लेंगे बस नौकरी मिल जाए। और जैसे ही उनको नौकरी मिल जाती है वो ट्रांसफ़र के चक्कर में लग जाते हैं, भाई ट्रांसफ़र करा दो ट्रांसफ़र करा दो, तब उन्हें उस जगह नौकरी नहीं करनी होती है। तो जैसी गवर्नमेंट जॉब आती है ना तो एक पता नहीं एनर्जी सी आ जाती है, अब तो हमें कोई निकालने वाला है ही नहीं, अब हमें नहीं निकाल सकता। और जब तक हम प्राइवेट में रहते हैं तब तक सोच समझ के एक एक कदम बड़ा सुकून से देख करके, कहीं कोई बॉस या हमारा जो ऑनर है वो देख ना ले कुछ करना दे नहीं, ये वो ये वो ये वो निकाल, क्यों डर रहता है? क्यों? क्योंकि वो निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वर्कर्स में ना सिविल होते हैं पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर में कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर काम कैसे करता है? देखिए प्राइवेट सेक्टर का बहुत बेसिक सा फंडा है, एक तो ये जो बिजनेस होता है इसका जो मालिकाना हक होता है और इसको जो कंट्रोल किया जाता है, माने मैनेज जो किया जाता है इसको, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा एंटरप्राइजेस, इन्फोसिस, लेंसकार्ट, एमबीए चाय वाला, तनिष्क, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। अडानी आज की डेट में बड़ा पॉपुलर चल रहा है ना। क्या अभी मैंने कुछ दिन पहले एक केस स्टडी डाली थी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, है ना। ये सब क्या हैं? ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं। कौन है ये सब? प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक। इनका बेसिक पर्पस क्या होता है? एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या होता है? उद्यमशीलता गतिविधियां, उद्यमशील गतिविधियां जो सीधा सीधा प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, आपने एक एप्पल लिया, ठीक, उस एप्पल की कॉस्ट है मात्र 10 रुपए। कितनी है? 10 रुपए। और दो एप्पल की कॉस्ट कितनी हो गई? 20 रुपए। आपने इस एप्पल का जूस निकाला, ठीक है भाई, ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है बस रिलेट कर लेना, और ये ग्लास है और इस ग्लास में आपने वो जूस कर दिया, यहां पर एक स्ट्रॉसी लगा दिया आपने, यहां पर एक लेमन लगा दिया, और इसमें कुछ 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 आपने डाल दिया उसको और टेस्टी बनाने के लिए।
या कुछ लोग तो अब ये करते हैं कि इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ढक्कन सा जैसे स्टारबक्स का वो आता है ना कॉफी मग, उसमें कैप्सी लगी हुई होती है, उसमें स्ट्रॉ डली हुई होती है, तो एक वैसा ही जो है जूस मग लेते हैं है ना, वो यूजेबल होता है यूज एंड थ्रो वाला, उसको लिया उसमें स्ट्रॉ डाला और वो बेच दिया 150 रुपये का। ठीक है, तो 20 रुपये का तो ये हो गया, 20 रुपये का तुम जो है वो मग मान लो और 5 रुपये का कुछ इधर उधर का उनका इंटीरियर मान लो, तो 45 से 50 रुपये जो है आप मान के चलो जो उनकी पर कॉस्ट आई। बेचा कितने में? 150। कितने का फायदा हुआ? सीधा सीधा 100 रुपये पर ग्लास बेनिफिट। ये कहलाता है प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज्यादा होता है, ये रिस्क लेते हैं, ये बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, रिस्क क्या होता है? क्रिएट एंड जनरेट अ प्रॉफिट। इन्हें ये नहीं पता कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, और क्योंकि इनके पास कोई दूसरा सोर्स है नहीं इनकम का, तो इसलिए इन्हें प्रॉफिट पर ही काम करना पड़ता है। क्लियर हो गई ये वाली बात? चलिए, जैसे अगर आप पार्टनरशिप की भी डेफिनेशन देखेंगे तो पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क्स फॉर द प्रॉफिट मोटिव। पार्टनर्स हु एग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट्स इन देयर इन विच दे एग्रीड। केवल वो उसमें एग्री करते हैं और वो भी किसको? प्रॉफिट को, है ना, प्रॉफिट। क्लियर है? सोल प्रोप्राइटरशिप कोई व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। कंपनी क्यों बनाता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्यों आता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में क्यों आता है? प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना, प्रॉफिट मोटिव है। पब्लिक सेक्टर पर आ जाते हैं, समझ रहे हो ना? कहीं भी कोई भी दिक्कत आए, कोई भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट कर देना। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? जो सारा काम प्राइवेट सेक्टर में इंडिविजुअल करता है वो यहां पर मिनिस्ट्री करती है, जो सीधी सीधी कंसर्न होती है पार्लियामेंट को लेकर के। गवर्नमेंट ऑन्ड और गवर्नमेंट एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरबीआई, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन सी है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो है संघीय फेडरल गवर्नमेंट होती है, जैसे राज्य सरकारें, है ना, या जैसे केंद्र शासित प्रदेश हो गए, राज्य हो गए, या लोकेलिटीज हो गई, जैसे नगर पंचायत हो गई, नगर पालिका हो गई, है ना, नगर निगम हो गए, महानगर हो गए, इस तरह से। ठीक है, इनका मोटिव क्या है? ये किस पर फोकस ज्यादा करती हैं? सर्विस टू द पब्लिक एज अ होल। केवल और केवल इन्हें पब्लिक को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर पर। क्या विशेषताएं हैं? एक तो ये गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस की जाती है। किसमें? हर साल बजट रिलीज होता है, उस बजट में हर डिपार्टमेंट हर सेक्टर के लिए एक विशेष प्रावधान होता है। गवर्नमेंट ट्रेजर मतलब सरकारी कोष से इनको पैसा प्राप्त होता है, और जो ये पैसा कमाती हैं वो सरकारी कोष में ही चला जाता है। क्लियर है ये वाली बात? एक तो ये इसकी विशेषता है। गवर्नमेंट मैनेजमेंट, यहाँ के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो किस कैसे होते हैं? एम्प्लॉयज गवर्नमेंट, जो कि या तो आईएएस के द्वारा या सिविल वर्कर्स के द्वारा, जो सिविल्स होते हैं उनके द्वारा क्या किए जाते हैं? लीड किए जाते हैं, लीडर्स जो होते हैं, है ना, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, या जैसे रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है,
इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो पॉलिटिकल, जैसे इसमें नितिन गडकरी कह सकते हैं, नितिन जी, एक होते हैं सेक्रेटरी। कौन होते हैं? सेक्रेटरी, ठीक है, उनका नाम मुझे नहीं पता है भाई, ढूंढ के बता देना, लिख देना कमेंट, ठीक है। तो जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट होते हैं, जो या तो आईएएस के द्वारा लीड किए जाते हैं, उनके जो लीडर होते हैं वो आईएएस होते हैं या सिविल होते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंस की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है, जैसे अभी पीछे नितिन गडकरी जी का ही जैसे बात चल रही है, तो नितिन जी ने एक बात कही थी कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है ना, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आज की डेट में भारत, पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 52 जो हाईवे हैं उनको बनाने का काम चल रहा है, और आगे भी और नए हाईवेज बनाने की योजना है। तो यहाँ पर क्या है, काम जो ईमानदारी से काम करने वालों की जो है कमी है, बाकी पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ईमानदार लोग आते जाओ, पैसा होता जाएगा। इसको कोई पॉलिटिकल रंग देने की जो है कमेंट में प्रयास ना करें, ठीक है। ये केवल और केवल समझने और समझाने के लिए चीज़ें कही जा रही हैं, क्लियर है ये वाली बात? ये बड़े मतलब स्पष्ट शब्दों में है, ठीक है। इसको किसी भी प्रकार से राजनीतिक रूप ना दिया जाए, ठीक है, तो और ना ही इस पर किसी प्रकार की बहस की जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो फाइनेंस है, जैसे गवर्नमेंट के पास जो फाइनेंस है, वहां से डिपार्टमेंट्स को इजीली फंडिंग अवेलेबल हो जाती है, उन्हें निर्भर नहीं रहना कि भाई अगर हमें प्रॉफिट होगा तो ही हम क्या करेंगे, तो ही हम आगे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे एयर इंडिया थी, है ना, एयर इंडिया थी ना, तो एयर इंडिया जो थी वो पहले गवर्नमेंट के उसमें थी, पर बाद में जो है रतन टाटा जी ने उसको क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, है ना। तो क्यों किया? क्योंकि वो लॉस में जा रही थी, तो उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। डिसइन्वेस्टमेंट भी एक टॉपिक है हमारे में, उसका डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। तो इतने सालों से वो लॉस में जा रही थी, फिर भी वो कंटिन्यू थी। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट से उसको कंटिन्यूसली फंडिंग हो रही थी, तो इसी को कहा गया फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि भाई आप स्वतंत्र हैं काम करने के लिए, आप केवल ईमानदारी से काम करते रहिए और आपका क्या होता रहेगा, आपको फंड अवेलेबल होता रहेगा। और ये वास्तविकता भी है, आज की डेट में आप कहीं भी चले जाइए, या तो हाईवेज बन रहे हैं या बन चुके हैं, है ना। जैसे मैं अपना इधर का क्षेत्र देखता हूँ, जब मेरठ, दिल्ली, मुरादाबाद, तो वास्तव में यहाँ पर जो पहले कभी आज से 10 15 20 साल पहले हम जब जाते थे अपने पेरेंट्स के साथ घूमने वगैरह के लिए, तो जितने ट्रैफिक में हम लोग फंसते थे, आज की डेट में आप गाड़ी निकालो और आप सीधे चले जाओ, कहीं कोई जाम का कोई टेंशन ही नहीं होता, है ना। तो वो वाली एक चीज़ है, बदलाव आते हैं। पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक सेक्टर के अंदर जितनी भी सर्विसेज दी जाती हैं वो केवल पब्लिक को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं, विदाउट एनी प्रॉफिट मेकिंग मोटिव के साथ। क्या है यहां पर? पब्लिक सर्विस है ना, दूसरा क्या है, नो प्रॉफिट मोटिव। अब इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाना है, कमाना है तभी तो वो आगे चलेगी, लेकिन मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है ऐसा नहीं है। मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता की सेवा। ऑटोनॉमियस सेमी इंडिपेंडेंट बॉडीज, या तो ये ऑटोनॉमियस होती है, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑटोनॉमियस है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑटोनॉमियस है, या ये क्या है? कुछ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट भी नहीं होती है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का क्या है, इंटरफेरेंस लगा रहता है ना। कोई ना कोई जो है पार्लियामेंट से ये लोग बिलोंग करते हैं, मतलब ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं पार्लियामेंट से बिलोंग करती हैं, पार्लियामेंट में कोई भी अमेंडमेंट होगा इन पर लागू हो जाएगा। तो दोनों तरह की होती हैं, एक तो ऑटोनॉमस होती है और एक सेमी इंडिपेंडेंट होती हैं। यूजफुल फॉर वेरियस सेक्टर्स, ठीक है, किन किन सेक्टर्स में ये यूजफुल है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ लेते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो बेसिकली पब्लिक सेक्टर को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्या है हमारा, डिपार्टमेंटल विभागीय उपक्रम। कौन कौन से हैं? इंडियन रेलवे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, दिल्ली मिल्क स्कीम, दिल्ली दुग्ध योजना, जो दिल्ली वाले लोग हैं वो उन्हें पता होगा, भारतीय डाक,
ये राज्य स्तरीय है, बाकी तो राष्ट्रीय स्तर पर बाकी सभी आकाशवाणी आप सुनते हैं, दूरदर्शन का चैनल आता है, भारतीय पोस्ट, भारतीय डाक है ही, और IRCTC भारतीय रेलवे का उपयोग सभी लोग करते ही करते हैं। ये सभी क्या है, उदाहरण है किसके, आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। क्लियर है? क्या होता है, दो तीन चीजें इसमें ध्यान में रखिए। एक तो ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सीधा क्वेश्चन बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल, मतलब क्या है, सबसे पुराना और सबसे पारंपरिक रूप, पता नहीं कब से चले आ रहे हैं। अगर आपको इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद है, पता है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसे एस्टेब्लिश होते हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री, मंत्रालय के विभागों के रूप में, जैसे रेल मंत्रालय है ना, या रेल विभाग। दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमियस इंस्टीट्यूट, इन्हें ऑटोनॉमियस इंस्टीट्यूट नहीं कहा जाता, इसका मतलब क्या, ये सेमी इंडिपेंडेंट है। आप समझ आ गया, ये ऑटोनॉमियस इंस्टीट्यूट नहीं है। ऑटोनॉमियस इंस्टीट्यूट जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI, इन्हें स्वायत्त संस्थान के रूप में गठित नहीं किया गया है, ये डिपेंडेंट है मिनिस्ट्री और पार्लियामेंट के लिए के ऊपर। दे एक्ट थ्रू द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, जिस जो IAS होता है, हमेशा सरकार के अधिकारियों के माध्यम से कार्य करते हैं, है ना। जैसे कोई, जैसे UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, UPSC में क्या होता है, जैसे सबसे पहले आप मतलब लेवल्स होता है, मतलब शायद SDM, देन ADM, देन DM, है ना, फिर उसके बाद कोई जो है डिपार्टमेंट दे दिया जाता है ना, कोई भी अथॉरिटी दे दी जाती है, फिर उसके बाद और प्रमोट करके राज्य स्तर पर ले आते हैं, फिर लगभग 18 साल बाद उन्हें मिनिस्ट्री में ले लिया जाता है। तो अंतिम पड़ाव जो है उनका वही है ना। चलिए, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद बहुत सारी जो चीज़ें, देखिए यहाँ से आपको बहुत सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे, यही कारण है इसको इस तरह से डिज़ाइन करने का। और इतना सब मेहनत जो है करते हैं, फिर भी आप लोग जो है शेयर और लाइक नहीं करते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है इस बात का। तो शेयर और लाइक कर दो फटाफट से वीडियो को। कुछ फीचर्स भी हैं, फीचर्स तो हमने पढ़ ही लिए थे, पर दोबारा पढ़ लेते हैं। एक तो फंडिंग जो होती है इनकी, सीधा सरकार की जो कोष है उसमें से होती है, और हम किसमें, किसके रूप में, बजट के रूप में। फिर बीच में अगर आवश्यकता होती है तो सरकार वर्ष के मध्य में भी एक बजट ले आती है। अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और उनका ऑडिट कराया जाता है, और जो ऑडिट करने वाली संस्था है उसको कहा जाता है CAG, कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल, की नियुक्ति कौन करता है, आंसर कॉमेंट करो, मुझे नहीं पता, कमेंट करके बता दो, मुझे ही बता दो, ठीक है। लेखांकन और लेखा परीक्षक नियंत्रण के अधीन है, ठीक। कर्मचारी या तो IAS होंगे या सिविल सेवक होंगे, सिविल सर्वेंट, ठीक। मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये भी हमने पढ़ा था, सब डिवीजन होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, जिसको हमने कहा है पार्लियामेंट, संसद, संसद में जवाबदेही होती है इनकी, ठीक है। चलिए, इसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ, सॉरी फुलफिलमेंट क्या कह रहा हूं, एडवांटेज क्या क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी की पूर्ति करना, क्या क्या है वो भी हम देखेंगे। देखो दो तीन चीजें हैं, वो आपको जवाब यहां पर मिल जाएगा। विधायिका, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार होते हैं, पब्लिक के थ्रू, जिसको पब्लिक की आवाज कहा जाता है, पार्लियामेंट पब्लिक। आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण होता है, जैसे बजट रिलीज कर दिया तो पता है कि इसी में से हमें क्या करना है, खर्च करना, ज्यादा नहीं करना, और उसका हिसाब भी देना है। ये गवर्नमेंट रेवेन्यू में क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे रेलवे है या आपका
पोस्ट है, दूरदर्शन है या आकाशवाणी है, ये जितनी भी यहाँ से जो भी रेवेन्यू आता है वो सारा का सारा किस में चला जाता है, गवर्नमेंट ट्रेजर में जाता है। पैसे का जो मिसयूज है वो कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि इनके अकाउंट्स क्या होते हैं, इनके अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, सिस्टमेटिकली उनको बकायदा रिलीज किया जाता है और उनको सीएजी के द्वारा ऑडिट किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये कहाँ कहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है ये पब्लिक सेक्टर? फंड मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है, एजुकेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसीज, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन, पब्लिक फाइनेंस अकाउंटिंग, सिटीज, लोकल गवर्नमेंट्स, बहुत सारे ये इनके एरियाज हैं जहाँ पर ये लोग काम करते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको एरियाज भी बता दिया, आपको ये जो एरियाज वाली कहानी है ना, ये कमी आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया है, दिख तो रहा ही होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, मज़ा आ गया, फटाफट से लाइक शेयर कर दो। लिमिटेशंस क्या क्या हैं? एक तो इन्फ्लुएंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही का प्रभाव है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो क्या है, जो ऊपर से आदेश आ गए हमें वही काम करना होगा। अब वही काम करना होगा का मतलब क्या है कि इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, आप अपने पास से इनिशिएट नहीं कर सकते, इनिशिएट नहीं कर सकते, इसका मतलब है आपकी जो फंक्शनिंग होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंट, मतलब आपका जो काम काज है वो क्या हो जाएगा, अक्षम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई नई चीज़ नहीं ही कर पा रहे हैं वैसे, हालांकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें रिड्यूस होती जा रही है, बट फिर भी ये पाई जाती हैं। पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, संसद का, है ना, आए दिन कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ चलता रहता है। दैनिक जो हमारी प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उसमें बड़ा रेड टैपेज में है, ये देखो ये पिक्चर आइडेंटिफाई कर रहा है कि एक सरकारी अधिकारी रेड टैपेज में फंसा हुआ है और उससे निकलने का क्या कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है। और बहुत ज़्यादा क्या है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और आज की डेट में तो पब्लिक ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया है, पब्लिक में कुछ ज़्यादा ही है। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस और एडवांटेज में बस केवल और केवल एक चीज़ ये आती है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एडवांटेज। तीन लिमिटेशन दे देगा, एक एडवांटेज दे देगा, या तीन एडवांटेज दे देगा, एक लिमिटेशन दे देगा, कुछ इस तरह से वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और लिमिटेशंस क्या होते हैं। तो इस तरह से आज जो है हमने अपना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कंप्लीट किया है, एंड आई रियली होप कि आपके ये सब कुछ समझ में आया होगा। क्लियर है? तो मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशंस। तो कल का वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जुड़ना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सकें, कनेक्ट हो सकें। क्लियर है? चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद।